हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल ट्रेवल्स के नए ट्रेन जर्नी में। आज का ट्रेन जर्नी होने वाला है, जो ट्रेन है जैसा क्या देख सकते हैं, ये है गरीब रथ एक्सप्रेस। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट होते ट्रेन जर्नी कौन लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग को मैं ट्रेन जर्नी पसंद आ रही है आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग ट्रेन जर्नी को शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि आप फर्स्ट ऑफ देखें, ये जो ट्रेन है ये है गरीब रथ एक्सप्रेस। और ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस है ये है आनंद विहार से भागलपुर। गरीब रथ एक्सप्रेस 04414 इसका ट्रेन नंबर है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम लोग का अपर बर्थ है और नीचे पूरा आपका लोअर बर्थ है, ये साइड पर। और ट्रेन जो है आनंद विहार से 530 किलोमीटर चलेगा। अभी काफ़ी टाइम है तो यहाँ तक ऑलरेडी काफ़ी भीड़ आ चुकी है, क्योंकि अभी दिवाली के एंडिंग का टाइम है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इसमें भी काफ़ी भीड़ है। तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग का ट्रेन, वैसे वैसे हम लोग आपको जर्नी पे लेकर चलेंगे। और वैसे भी मोस्टली आप लोगों ने स्टेशन देखे हुए हैं, इसके रिसोर्ट के सभी स्टेशन देखे हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेन रिसोर्ट पर दिए हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी छोटी रहे। तब तक के लिए चलिए अब हम लोग ट्रेन स्टार्ट होने का बस वेट करते हैं। तो बस गाइस, यहाँ पर जो है हम लोग का ट्रेन खुल चुका है यहाँ से, और ट्रेन बिल्कुल ही राइट टाइम पे खुला है। और यहाँ से इसका स्टॉपेज है वैसे अलीगढ़, कुंडला, कानपुर, फिर प्रयागराज, और फिर दूसरा जल पाध्याय और वही तक स्टॉपेज है। तो आपका इसको एक्सप्रेस ट्रेन का है, तो जैसे आगे बढ़ेगा वैसे तक करेंगे हम लोग जर्नी। और हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया रात के लिए, तो जब आएगा और उसका भी आपको जरूर है गरीब रथ में आपको खाना कैसा सब मिल रहा है। ऐसे तो ये इसमें कंट्री का है नहीं, बाहर से आएगा। तो चलिए आपको बनेगा हम लोग के साथ। और अरे फ्रेंड्स, तो हम लोग देख सकते हैं ये जो है ये हम लोग का खाना आ गया है। और यहाँ पर जो है हम लोग को चावल दी हुई है और दाल है और सूखी सब्जी एक है, पनीर सब्जी है। और यहाँ पर जो है हम लोग को रोटी दी हुई है। तो एक एक करके मैं आपको आपसे बताता हूँ कि कैसा किसका टेस्ट है। वैसे अगर देखा जाए तो टेस्ट वाइज जो है खाने में सही है, बट वही थोड़ा ठंडा है। और सब्ज़ी भी सही है, टेस्ट बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि ख़राब टेस्ट है। और फिर अभी मैं आगे बाजार दिखाऊंगा कि कैसा है। तो यहाँ पर जो ये रोटी हमने ली हुई है, रोटी भी ठीक ही रहते हैं, रोटी का क्वालिटी भी सही है। और पनीर में थोड़ा सा तेल लगा है, पर ज़्यादा दिया हुआ है। तेल जो है तो थोड़ा दिया था, उनके सब्जी भी सही है, दाल गाढ़ी दाल दी है, पतली दाल गाढ़ा है, और चावल भी सही है। तो मैं खाता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि सर कैसा है वह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जैसे कि हम लोग हैं, अभी सुबह का 5 बज रहा है और अभी हम लोग करीब आरा जंक्शन पहुँचे हुए हैं। अभी यहाँ से भी करीब 1 घंटे का ट्रेन जर्नी हम लोग का है।
अभी सुबह का टाइम आप देख सकते हो कि हल्का लाइट आया हुआ है, साफ नहीं आ रहा है। तो जैसे अब बस गर्मी हो रहा है, हम लोग आपसे आगे बात करेंगे। और फिर आज आप लोग को अभी तक का जर्नी पसंद आया हो, और चलिए अब जैसे ही जर्नी एंड होता है मैं आपसे आगे बात करता हूँ। और तो अभी जो हम लोग हैं बस थोड़ी देर में जो पटना जंक्शन पहुँचने वाले हैं, और यहाँ बस बाद सकते थे हम लोग पाँच दिन बस हम लोग ऑटो पे ही हैं। और ये ट्रेन जो है वो ट्रेन स्टेशन के अंदर जो है वो इंटर कर रहा है। चलिए मैं आप लोगों को ऐसे बाहर कर दिया और वीडियो भी दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का। और फिर इसका टेस्ट मैं ट्रेन से करता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे बात करता हूँ। हम लोग जो है फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे पटना है। बट हम लोग जो है यहाँ पटना जंक्शन के बजे राजेंद्र नगर पहुँचे, क्योंकि बच्चा ज़्यादा ही रहता है हम लोग का जो खाने का घर है वहाँ के लिए। तो चलिए ये जो ट्रेन है जैसे कि मैं बता दूँ आप लोग को कि आगे भागलपुर तक जाती है, और आज जो है ट्रेन थोड़ा सा लेट है यानी 10-15 मिनट लेट होगी आज। तो आई होप आप लोग को ये ट्रेन जर्नी पसंद आई हो, और अगर लाइक कर दीजिएगा बताइए, और वहाँ वहाँ और देखना चाहेंगे तो बताइए। और घर मिलता आपको अभी भी है जैसे कि ये हेल्दी और टाटा।